हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट इज स्पेशली बिलोंग टू द क्लास 12 चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली कैपेसिटेंस, ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ कि क्या होता है, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को भी डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, तो यहां क्या है कि मेटेलिक जो प्लेट्स होते हैं, ठीक है, अगर कोई भी मेटल का प्लेट है, ठीक है, मेटल प्लेट, दो प्लेट्स को हमने ले लिया, ठीक है, एक प्लेट्स मैंने ये लिया और एक प्लेट्स मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब प्लेट्स है, एक्चुअली होता क्या है कि आप एक लाइन को इसको देख रहे हैं, ये एक लाइन सिंगल लाइन नहीं होती है। ठीक है, जैसे क्या है कि अगर मान लीजिए कि मेरा ये पाम है, ठीक, तो पाम है तो ये मेरा एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है। अब अगर मैं क्या करूं, इसको इस तरह से एक्सप्रेस करूं तो आपको ये वाली लाइन सिर्फ दिखेगी ना, ये वाली सिर्फ लाइन दिखती है। तो इस तरह से हम इसका केवल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये एक्चुअली ऐसा प्लेट है, ठीक है, और हम इसको ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं 2D में, तो ये सिर्फ एक लाइन दिखती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप इसको इस तरह से यहां पे बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसी तरह से आप यहां पे क्या कर सकते हो, यहां पे ऐसे इसको भी बना सकते हो। तो ये आपके बेसिकली क्या है, दो पैरेलल प्लेट्स है, मतलब है एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, यहां इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि इसका जो एरिया होगा वो एरिया होगा सेम, क्या होगा, सेम, और इसका साइज क्या होगा, साइज भी कैसा होगा, सेम होगा। मतलब है इन दोनों का एरिया कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इन दोनों का साइज कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है ना, ये जो बीच की सेपरेशन है, ये जो डी होना चाहिए, ये स्मॉल होना चाहिए एज कंपेयर टू इट्स एरिया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, डी इज लेस देन एरिया। अगर ऐसा कंडीशंस यहां पे होल्ड करता है देन दीज टू पैरेलल मेटालिक प्लेट्स फॉर्म पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कंडीशन को होल्ड करेंगे, उसकी कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम अगर पैरेलल प्लेट की मीनिंग को समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली फिजिक्स में इसका रियल मीनिंग क्या है, तो उसको हम इस तरह से कुछ समझ सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि आपके पास एक प्लेट ऑलरेडी था, इस पे आपने क्या कर रखा था, चार्जेस को आपने यहां पे दे रखा था। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इसके पास में एक अनदर प्लेट लेके आते हैं। ठीक है, ये प्लेट आपके जो है, ये प्लेट जिसपे कि अभी कोई चार्ज था नहीं, आप इसको इसके पास लेके आए, तो इसने क्या किया, इसने इस प्लेट पे क्या किया, एक प्रोसेस अप्लाई किया। आपको ही पता होगा वो प्रोसेस क्या होता है, इंडक्शन का प्रोसेस होता है। क्या होता है, इंडक्शन का प्रोसेस होता है, और इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि ये प्लेट इसको क्या करता है, पोलराइज कर देता है। बात समझिएगा मेरी, यहां पर क्या होगा, ठीक है, पोलराइजेशन होगा। ठीक, अगर यहां पे पोलराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि इस प्लेट पे क्या होगा, इंड्यूस चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहां पे निगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, अब निगेटिव चार्ज अगर यहां पे डेवलप हो गया है तो क्या होगा कि भाई देखो ध्यान से, प्लस माइनस को खींचता है लेकिन प्लस प्लस को क्या करता है, रिपेल करता है, और इसके पास दोनों चार्जेस है, तो माइनस को अगर खींच लिया तो प्लस इसके अनदर सर्फेस पे यहां पर डेवलप हो गए। अब होता क्या है कि हम लोगों को ये मालूम है, ठीक है, कि एक्चुअली E इक्वल टू होता है बेटा V बाई डी। ठीक है, और एक फार्मूला होता है V इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर। मतलब है B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हियर R, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, एंड आपको मालूम है कि R की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पोटेंशियल मेरा उतना कम होगा। तो यहां पे ध्यान से देखो कि प्लस से इस प्लस की डिस्टेंस क्या है, काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस माइनस। तो प्लस से प्लस की डिस्टेंस ज्यादा और प्लस से माइनस की डिस्टेंस कम, तो निगेटिव वाला पोटेंशियल यहां ज्यादा क्रिएट करेगा, पॉजिटिव वाला पोटेंशियल कम क्रिएट करेगा, है ना। अब इसके पास
भाई पोटेंशियल कुल मिला के क्या था, पोटेंशियल सपोज दैट इसके पास 50 वोल्ट का पोटेंशियल था, कितने वोल्ट का पोटेंशियल था 50 वोल्ट का, और इसने क्या किया नेगेटिव में कुछ पोटेंशियल डेवलप किया, नेगेटिव में इसने डेवलप किया 20। अब ये पॉजिटिव वाला कम डेवलप करेगा है ना, क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या है ऑब्वियस है, डिस्टेंस ज्यादा तो मतलब है कि पोटेंशियल की वैल्यू कम, इसका मतलब है कि मान लीजिए कि ये 15 डेवलप कर रहा है। तो अब सोच रहे होंगे प्लस माइनस क्यों लिया, तो ऑब्वियस है कि प्लस वाला प्लस बनाएगा, माइनस वाला माइनस पोटेंशियल बनाता है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इन दोनों को हमने ऐड किया तो मेरा हो गया 15, 20 में से माइनस 5 हो गया, भाई यहां पे क्या होगा माइनस 5, और अल्टीमेटली 50 में से माइनस 5 जाएगा तो 45 बचेगा। इसका मतलब है इस वाले प्लेट का जो हमारा पोटेंशियल है वो कितना हो गया 45 हो गया। इसका मतलब क्या कर सकते हो कि इस पे चार्जेस को और भी क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। अगर चार्ज ट्रांसफर करोगे तो ऑब्वियस है कि इसका पोटेंशियल क्या होगा फर्दर इंक्रीज कर जाएगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है ना हमको एक कन्वीनियंस देता है, क्या देता है कन्वीनियंस कि हम अपने पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, कोई भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है ना उसको बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसको बढ़ा सकते हैं। आपको पता होगा उसका फार्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, ठीक है, मतलब क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जितना ज्यादा ऑब्वियस है जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल, ठीक है, तो मतलब उसका कैपेसिटेंस आप बढ़ा सकते हो, ठीक। चलिए ये तो रही बात फिजिकल मीनिंग की, पैरेलल के प्लेट कैपेसिटर की जो फिजिकल मीनिंग होती है वो क्या होती है, ठीक है। अब इसमें कुछ और टर्मिनोलॉजी समझना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां बताने जा रहा हूं। जैसे ये हमारा क्या है पैरेलल प्लेट है, और आपने पढ़ा कि ये इस पे सरफेस पे क्या होगा प्लस, ठीक है, और यहां पे क्या होता है इंडक्शन से माइनस, ठीक है। अब इसके अनदर सरफेस पे क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा, यहां पे क्या आता है प्लस आता है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसको मैंने अर्थिंग कर दिया, यहां पे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहां पे मैंने क्या किया है अर्थिंग कर दिया है। अब एक बात सोचिए जरा, अगर मैं अर्थिंग कर दूंगा तो क्या होगा, ये जितने भी प्लस चार्जेस होंगे यहां से क्या होंगे वैनिश कर जाएंगे और वो अर्थ में जाके क्या होंगे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि पोटेंशियल हायर से लोअर की तरफ जाता है और अर्थ का पोटेंशियल क्या है जीरो है, तो यहां पॉजिटिव चार्जेस यहां निगेटिव, ठीक है, मतलब है कि जीरो की तरफ मूव करेंगे और अल्टीमेटली प्लस वाले सब गायब, और ये हमारा क्या बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। अब इसमें थ्री रीजंस डेवलप होते हैं, चलो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, यहां पे थ्री रीजन है, एक रीजन पहला ये है, दूसरा रीजन हमारा ये है, और तीसरा रीजन हमारा ये है। इन थ्री रीजंस पे मैं क्या बात करूंगा कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। देखो सबसे पहली चीज कि यहां पे बेटा क्या होता है कि प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाता है, प्लस से बाहर निकलती है लाइंस, तो यहां पे लाइंस बाहर निकलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर बनेगा, क्लियर। यहां पे क्या होगा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इस प्लस के थ्रू मैं बात कर रहा हूं, तो प्लस के थ्रू इधर ये ऐसा बनेगा, समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ माइनस वाला क्या करता है, लाइंस माइनस में एंटर करती है तो यहां पे इधर बनेगा, और इसी तरह से ध्यान से सुनिएगा माइनस है तो यहां पे लाइंस एंटर करेगी, मतलब है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अल्टीमेटली यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो होगा, और यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो होगा, लेकिन बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, उसको देखिए क्यों नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये रीजन हमने ले लिया, अब इस रीजन पे प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा, बोलो माइनस भी तो इधर बनाएगा, क्योंकि लाइंस माइनस में क्या करती है, माइनस पे लाइंस एंटर करती है और प्लस से लाइंस बाहर निकलती है, तो दोनों देखो एक तरफ हो गई, तो दोनों अब एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, अगर कैंसिल नहीं करेंगी तो यहां पे नेट इफेक्ट डेवलप होगा, और हमको पता है कि एक सिंगल चार्ज क्या करता है, हमको पता है कितना इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट करता है, ई इज इक्वल टू कितना होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पैरेलल प्लेट जो सीट्स होती हैं वो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती हैं, तो माइनस वाला भी बनाएगा कितना सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, कितना बनाएगा ई इज इक्वल टू कितना बनाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो सिंपली जो नेट ई होगा मेरे पास वो कितना आएगा टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, टू से टू कैंसिल हो गया, कितना बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज अवर ई नेट। Is there any confusion? No.
मतलब कुल मिला के कहने का यह है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां सेंटर में कितना होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, En इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या हम कह सकते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और यहां पे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है और ई आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर। देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं, टेंशन फ्री होके पढ़ना चाहिए, ठीक है, हम लोग वही कर रहे हैं, ठीक। बात करते हैं बेटा कि अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं डिस्कस करने जा रहा हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, उसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो ये हमने क्या किया, देखो पैरेलल प्लेट बनाया, यहां हमने क्या किया प्लस 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 प्लस, और यहां मैंने माइनस 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 माइनस, और इस प्लेट को मैंने क्या किया है, अर्थिंग किया है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर आपने इस प्लेट को अर्थिंग नहीं दिखाया, इसका मतलब है कि इसके ऊपर प्लस चार्जेस भी होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको अर्थिंग से दिखाना है, तभी आप यहाँ पे प्लस चार्जेस को गायब कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्या हो कि आपका प्लस ऑलरेडी हो और प्लस आप अर्थिंग भी कर रखे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसके बीच में जो सेपरेशन है वो बेटा कितना है, डी है, और हमने मान रखा है कि इसका इस प्लेट का एरिया कितना है, ए। तो यहां पे मैं थोड़ा सा लैंग्वेज लिखूंगा कि एरिया कितना है हमारा ए, ठीक है। तो यहां पे इसको हम प्लेट एरिया बोल देते हैं, क्या है प्लेट एरिया, ठीक। अब बात करते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी वो कितनी है, वो है हमारी सिग्मा, कितनी है सिग्मा है, ठीक है। चलिए अब आप इतना अगर समझ गए तो आप हमें ये बता दीजिए कि यहां पे इस रीजन पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो आंसर होगा, अभी मैंने बताया है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। और बेटा क्या होगा कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इस रीजन को मैंने माना बी, ठीक है, इस पूरे रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा एक्सेप्ट एट दिस कॉर्नर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इस कॉर्नर पे ध्यान से सुनिएगा, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे इसको छोड़ के क्या होगा आपका लगभग ऑलरेडी बीच में क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। बात समझ में आ रही है, तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। अच्छा एक बात बताओ कि मैंने आपको कैपेसिटेंस के स्टार्टिंग में बताया था कि कभी भी कैपेसिटेंस निकालना हो तो क्या करते हैं, ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं कैपेसिटेंस निकालना है तो चार्ज को पोटेंशियल से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या करो यहां पे चार्ज ले लो पोटेंशियल ले लो, ठीक है, C इक्वल टू क्यू बाई वी, टोटल चार्ज निकाल लो उस पर पोटेंशियल निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो, बात खत्म, कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो वही काम हमको इस पैरेलल प्लेट के साथ भी करना है, देखो कैसे करेंगे। हमको बताया कि बेटा सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, कितना होता है क्यू बाई ए होता है, ठीक है। एक और एक्सप्रेशन मेरे पास, इक्वेशन नंबर टू, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट आपका क्या है कि हम लोगों को इतना पता है कि जो हमारा रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, E इज इक्वल टू डी वी वाई डी आर होता है, और माइनस साइन यहां पे लगा होता है, तो माइनस क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल है। तो यहां पे मॉड ले लेंगे तो यहां पे ये माइनस साइन गायब हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन से यहां पे बात नहीं करना है, सीधा सीधा रिलेशन देख रहे हैं, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। तो डी वी क्या है, अगर हम इसको वी के टर्म में कन्वर्ट करें तो आर को हम आर लिख सकते हैं, और आर क्या होता है डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो यहां पे डिस्टेंस हमने डी लिया है तो इज इक्वल टू वी बाई डी कर सकते हैं, दैट इज वी की वैल्यू बेटा आ सकती है ई इंटू डी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया थर्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं, चलो अच्छी बात है। अब एक बात बताओ मुझे कि यहां पे आपको ई की वैल्यू दे रखी है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे ई की जगह पे आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, तो यहां पे मैंने लिखा सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा क्या है बेटा बी, और ये हमारा इक्वेशन कितना हो गया फोर, इक्वेशन नंबर फोर। और यहां से क्यू की वैल्यू अगर निकाली जाए सेकंड से, तो क्यू को हम क्या कर सकते हैं, क्यू को यहां पे मैं लिख सकता हूं क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा इंटू ए, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं हो सकता है मे बी चूंकि मैं कैमरे के सामने हो सकता है ना दिख रहा हूं, फिलहाल आई थिंक दिख रहा होगा, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए होगा। इट मीन्स हमको क्या करना है यहाँ पे
चार्ज हमारे पास दे दिया गया, मतलब पोटेंशियल हमें मालूम हो गया, हम क्या करेंगे सीधा सा दोनों को डिवाइड कर देंगे और हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहां पे मैं कैपेसिटेंस देखो निकालता हूं, क्योंकि वैल्यू मेरे पास कितनी है, क्योंकि वैल्यू मेरे पास सिग्मा इंटू ए है और डिवाइडेड बाई मैंने क्या किया सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, आपका ये एक्सप्रेशन कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी एंड दिस इज अवर कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां पे आप देख रहे हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है, इस ए और डी को हम क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पैरामीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। मतलब है कि कैपेसिटर की ज्योमेट्री पे क्या करता है, उसका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। देखो यहां पे एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना, है ना, एरिया पे डिपेंड कर रहा है और कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे दो चीजों पे डिपेंड करता है, उसको भी सुनिएगा मेरी बात सुनिएगा। यहां पे क्या है बेटा कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड कर रहा है इनवर्सली किस पे, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पे, और कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे ए पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा, जितना बड़ा एरिया होगा उतना उसका ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। इट मींस इफ वी आर हैविंग द लार्जर एरिया, ठीक है, ऑफ द प्लेट्स देन वी आर हैविंग द हायर कैपेसिटेंस। क्लियर, तो यहां से कैपेसिटेंस की मीनिंग को आपको समझ गए होंगे कि एक्चुअली ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब एक मैं बात बताना चाहूंगा कि अगर आपने क्या किया, इसके बीच में एक डायइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, अभी हम डिस्कस करेंगे कि डायइलेक्ट्रिक के साथ मतलब कैपेसिटेंस का बिहेवियर क्या होता है। तो यहां पे मैंने क्या किया है, एक डायइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है और उस डायइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद इसका कैपेसिटेंस हो जाता है कि एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी हो जाता है इसका एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायइलेक्ट्रिक्स पे। किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायइलेक्ट्रिक्स पे होता है। और डायलेक्ट्रिक्स मेरा क्या है, यहाँ पे के है और के की वैल्यू आपको भी मालूम है कुछ भी हो सकती है, ठीक है। के की वैल्यू मेटल के लिए याद कर लो, मेटल के लिए कितनी होती है इनफाइनाइट होती है, और आपकी एयर के लिए डायलेक्ट्रिक्स की वैल्यू कितनी होती है वन होती है। ये दो वैल्यूज आप याद कर लीजिए, और वाटर के लिए अप्रोक्सीमेटली 80 होती है उसको भी याद कर लीजिए। तो वाटर का जो डायलेक्ट्रिक्स होता है वो कितना होता है 80, और कहीं कहीं यहाँ पे 81 भी होता है, 81 भी लिखा होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली 80 और 81 में से दोनों में से क्या होगा। क्लियर, तो आई थिंक ये आपको मेटल एयर और वाटर का डायलेक्ट्रिक्स पहले से भी आता होगा अगर आपने थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा, और अगर नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं एक यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करूंगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और वो न्यूमेरिकल्स आपका ये है, न्यूमेरिकल इसी पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। वो ये है बेटा कि अगर सपोज दैट कि मेरे पास ये प्लेट्स हैं और इनका मुझे क्या दे रखा है एरिया, ध्यान से सुनिएगा, इसका एरिया हमको दे रखा है, कितना दे रखा है इसका एरिया दे रखा है, सपोज दैट कि मान लो कि 20 सेंटीमीटर, या चलो अच्छा एरिया तो मैं ना देंगे, मैं एरिया पूछ ले रहा हूं कितना होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं पूछ ले रहा हूं एक्चुअली एरिया होगा कितना अगर इसका कैपेसिटेंस, इस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस अगर हमको दिया है 1 फैरेड और इनके बीच की जो डिस्टेंस है सेपरेशन जो है डी, वो डी की वैल्यू दे रखी है 25 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहां पे डी कितना दे रखा है 25 मिलीमीटर अगर दे रखा है, तो हमको बताना है कि उसका प्लेट का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द प्लेट। तो हमको मालूम है भाई कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी होता है, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, हमको मालूम है कि यहां से बाई कैपेसिटेंस क्योंकि 1 फैरड है, तो यहां पे मैंने 1 लिखा, यहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻¹⁰ कितनी होती है -12 होती है, कोई कंफ्यूजन। इसके बाद यहां पे हमको दे रखा है डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एरिया यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डी की वैल्यू 25 मिलीमीटर, दैट इज 25 × 10⁻³ होती है, ठीक है। अब क्या किया, इसको मैं इधर लेके आया, तो 25 हो गया इंटू 10⁻³ हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपको भी मालूम है 8.85 × 10⁻½ हो गया इज इक्वल टू ए। क्लियर,
अब यहां पे क्या है बेटा कि इसको इस तरह से लिख सकते हो, एरिया इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 8.85, ठीक है, इनटू, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 10 टू द पावर 12 ऊपर जाएगा, तो 10 टू द पावर 12 ऊपर जाएगा, 3 से कैंसिल होगा, मतलब है 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, इसका मतलब है 10 टू द पावर 9 यहां पे मुझे मिलेगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अब यहां पे मैंने क्या किया, देखो यहां पे मैं थोड़ा सा राउंड अप कर रहा हूं चीजों को, मैं सॉल्व करने के लिए यहां पे मैंने क्या किया बेटा, यहां पे डबल जीरो लगाया और इस पॉइंट को यहां से हटा दिया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। अब अच्छा, 885 किसके क्लोज है, 900 के क्लोज है ना, तो अप्रोक्सीमेशन में क्या कर सकते हैं, यहां पे 2500 अपॉन 900 इंटू 10 टू द पावर 9, यहां से डबल जीरो कैंसिल, 25/9, ठीक है, 25/9, 9 को अप्रोक्सीमेटली यहां भी 10 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25 को 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2.5, और अगर 9 से डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेटली 2.8 के आसपास आएगा, इसका मतलब है ये हमारे पास कितना आएगा, 2.8 इंटू 10 टू दी पावर 9, कोई दिक्कत। एक बात बताइए, एरिया की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। कहने का सेंस ये है कि ये जो एरिया आया है ना, ये एरिया बहुत ज्यादा है, ये एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इतनी बड़ी एरिया वाला कैपेसिटर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इतनी बड़ी एरिया वाला कैपेसिटर मतलब है बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है भाई, कितना बड़ा एरिया ले लोगे तुम, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर में है, अगर तुम सिंपली इसको मीटर में भी निकालोगे तो उसका साइड अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए, यहां से 10 टू द पावर 9 को जस्ट यहां पे क्या करिए, इसको पहली चीज तो 2.28 कर दीजिए, यहां 10 टू द पावर 8 हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 आएगा, मतलब है 10 टू द पावर 4 को 24 का जस्ट 24 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली 5 के आसपास होता है, मतलब है भैया 5000 मीटर स्क्वायर, मतलब है 5000 मीटर का साइड वाला हमको प्लेट लेना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो 1 फेरड होता है ना, 1 फेरड जो होती है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 1 फेरड कैसी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है, इसीलिए हम क्या करते हैं, मिली फेरड या माइक्रो फेरड का कंसेप्ट यूज करते हैं, क्लियर। सो आई थिंक ये आपको पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहां पर फिट कर दें तो उसके थ्रू जो भी टर्मिनोलॉजी डेवलप होगी, मतलब उसका हम एक्सप्रेशन भी निकालेंगे, क्या होता है एक्सप्रेशन, क्या होगा डायरेक्ट्रिक को इंसर्ट करने पे, उसके बाद हम क्या करेंगे और भी टर्मिनोलॉजी है उसको भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।